दौड़ती दौड़ती जिंदगी में हम सब के पास मनोरंजन के अपने पसंदीदा माध्यम होते हैं। बचपन के दिनों में मनोरंजन के माध्यमों में सर्कस भी एक पसंदीदा माध्यम होता है, जिसमें रिंग मास्टर जोकर के साथ साथ कई जंगली जानवर हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर हमारा मनोरंजन करते हैं। नई दिल्ली की ललित कला अकादमी में आयोजित एकल चित्रकला प्रदर्शनी सर्कस ऑफ द एब्सर्ट में कलाकार सोमिन भौमिक ने सर्कस को केंद्र बिंदु में रखकर काल्पनिक और वास्तविक दुनिया में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। हर पेंटिंग के अंदर एक डैगर दिखा रहा हूँ मैं, तलवार जिसे कहेंगे, चाहे वो सर के ऊपर लटकता हुआ हो या नीचे की तरफ भी हो, और ये दिखा रहा है हमें, मतलब हमेशा ये डैगर हमेशा ये परेशानियाँ जो है हमारा पीछा करते रहती है, हमें इससे कोई छुटकारा नहीं मिलता है। और ये जो है आम आदमी इंसान हमेशा कोशिश करता है इसके साथ द्वंद, इसे कहते हैं डेली हम इसके साथ लड़ते रहते हैं। और इसी चाकू को इस्तेमाल करते हुए ये जोकर मेरा जो सूत्रधार है, जो नायक जो है, वो इसी चाकू के द्वारा ये अलग अलग शेर जो मैंने बनाए हैं, इसमें चार शेर हैं, चार शेर चार कमियाँ दिखा रही हैं इंसानों के अंदर, चाहे वो एंवी हो, मतलब एक दूसरे से जेलसी, चाहे वो फेयर हो, डरना हो, अलग अलग ऐसे चार किस्म के कमियां जो हैं उसके साथ उसको लड़ने के लिए हमें ये गोल्डन डैगर चाहिए, एक प्योर हार्ट, एक डिवाइन हार्ट चाहिए जिसके साथ हम इन कमियों को मार सकते हैं। तो इसके लिए जो क्राउन जो है मेरा जो सूत्रधार है इसको यूज करता है। कलाकृतियों में जोकर को सर्कस में चार बाघों के साथ दिखाया है। कलाकार ने जोकर को सरलता, सहजता और सच्चाई के रूप में पेश किया है, वहीं बाघ को क्रोध, डर और जलन के रूप में दिखाने की कोशिश की है। एक दूसरे से संघर्ष रत दिखाए गए हैं। जोकरों के साथ सत्य और आत्मा है, वहीं बाघ हृदय से स्वार्थी और भौतिकतावादी हैं। लेकिन कलाकार ने बड़े ही कलात्मक ढंग से जोकर और बाघ को एक ही कैनवस पर सजीव करने की कोशिश की है। काल्पनिक और वास्तविक दुनिया की समानताओं को ढूंढने में बहुत मजा आता है। यही कारण है कि इनकी ज्यादातर पेंटिंग्स में नयापन और रोचकता का एहसास होता है। सर्कस के शो के दौरान कभी जोकर बाघ पर हावी दिखते हैं तो कभी बाघ जोकर को मार देता है। अगर हम देखें तो सोमेन ने जोकर और बाघ के सहारे हमारे सामाजिक ताने बाने पर टिप्पणी करने की कोशिश की है। जोकरों को धोखा देते हैं, लेकिन ये धोखाधड़ी अधिक समय तक नहीं चलती है। जोकर अपनी स्वर्णिम तलवार से फिर से इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। गोल्डन सॉर्ड को पवित्रता, सत्यता और दिव्यता के रूप में सोमेन ने प्रदर्शित किया है। इस संघर्ष में कलाकार ने जिस कलात्मकता के साथ दोनों पक्षों को पेश किया है वो इनकी सूझबूझ और ब्रश पर शानदार नियंत्रण को दिखाता है। माध्यमों का प्रयोग किया है, एक्रिलिक इनका पसंदीदा माध्यम है, साथ ही साथ इन्होंने पेस्टल और कॉन्ट के सहारे भी अपने मनोभावों को कागज और कैनवस पर उकेरा है। सोमेन के द्वारा
द्वारा बनाए गए चित्रकला में अन्य प्रतीक भी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक कश्ती है जो इस संसार में अपने जन्म स्थान को दर्शाती है। ये कश्ती लकड़ी से बनी है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है। सच्चाई और बुराई की लड़ाई में हमेशा ही सच्चाई की जीत होती है। द सर्कस ऑफ एब्सर्ड में भी अच्छाई की विजय का संदेश छिपा है, क्योंकि काल्पनिक संसार और वास्तविकता इस तरह घुल मिल गए हैं कि कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये रोचकता ही सोमेन की चित्रकला की सबसे बड़ी खासियत है।